वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। रामा महादेवी वर्मा। रामा हमारे यहाँ कब आया यह न मैं बता सकती हूँ और न मेरे भाई बहन। बचपन में जिस प्रकार हम बाबूजी की विविधता भरी मेज से परिचित थे, जिसके नीचे दोपहर के सन्नाटे में हमारे खिलौनों की सृष्टि बसती थी, अपने लोहे के स्प्रिंगदार विशाल पलंग को जानते थे जिस पर सोकर हम कछमत्स्यावतार जैसे लगते थे, और माँ के शंख खड़ियाल से घिरे ठाकुर जी को पहचानते थे, जिनका भोग अपने मुंह अंतर्धान कर लेने के प्रयत्न में हम आधी आंखें मीच कर बगुले के मनोयोग से घंटी की टन टन गिनते थे, उसी प्रकार नाटक काले और गिठे शरीर वाले रामा के बड़ नखों से लंबी शिखा तक हमारा सनातन परिचय था। सांप के पेट जैसी सफेद हथेली और पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी गांठदार टहनियों जैसी उंगलियों वाले हाथ की रेखा रेखा हमारी जानी बूझी थी, क्योंकि मुंह धोने से लेकर सोने के समय तक हमारा उससे जो विग्रह चलता रहता था, उसकी स्थायी संधि केवल कहानी सुनते समय होती थी। 10 भिन्न दिशाएं खोजती हुई उंगलियों के बिखरे कुटुंब को बड़े बूढ़े के समान संभाले हुए काले स्थूल पैरों की आहट तक हम जान गए थे, क्योंकि कोई नटखटपन करके हेले से भागने पर भी वे मानो पंख लगाकर हमारे छिपने के स्थान में जा पहुंचते थे। शैशव की स्मृतियों में एक विचित्रता है। जब हमारी भावप्रवणता गंभीर और प्रशांत होती है, तब अतीत की रेखाएं कोहरे में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती हैं, पर जिस समय हम तर्क से उनकी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने बैठते हैं, उस समय पत्थर फेंकने से हटकर मिल जाने वाली पानी की काई के समान विस्मृति उन्हें फिर ढक लेती है। रामा के संकीर्ण माथे पर की खूब घनी भौहें और छोटी छोटी स्नेहत्रल आंखें कभी कभी स्मृति पट पर अंकित हो जाती हैं और कभी धूम थली होते होते एकदम खो जाती हैं। किसी थके झुंझलाए शिल्पी की अंतिम भूल जैसी अंगड़ मोटी नाक, सांस के प्रवाह से फैले हुए से नथुने मुक्त हंसी से भरकर फूले हुए से ओट तथा काले पत्थर की प्याली में दही की या दद दिलाने वाली सघन और सफेद दंत पंक्ति के संबंध में भी वही सत्य है। रामा के बालों को तो आध इंच अधिक बढ़ने का अधिकार ही नहीं था, इसी से उसकी लंबी शिखा को साम्य की दीक्षा देने के लिए हम कैंची लिए घूमते रहते थे, पर वह शिखा तो मैयाओं का ठौर थी, क्योंकि न तो उसका स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और न उसके जागते हुए हम ऐसे सदनुष्ठान का साहस कर सकते थे। कदाचित आज कहना होगा कि रामा कुरूप था, परंतु तब उससे भव्य साथी की कल्पना भी हमें असह्य थी। वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, पर वह सामंजस्य की रेखाओं जितनी मूर्तिमत्ता पाता है, उतनी विषमता में नहीं। जैसे जैसे हम बाह्य रूपों की विविधता में उलझते जाते हैं, वैसे वैसे उनके मूलगत जीवन को भूलते जाते हैं। बालक स्थूल विविधता से विशेष परिचित नहीं होता, इसी से वह केवल जीवन को पहचानता है। जहाँ से जीवन से स्नेह सद्भाव की किरणें फूटती जान पड़ती है, वहाँ वह व्यक्ति विषम रेखाओं की उपेक्षा कर डालता है, और जहाँ द्वेष घृणा आदि के धूम से जीवन ढका रहता है, वहाँ वह सामंजस्य को भी ग्रहण नहीं करता। इसी से रामा हमें बहुत अच्छा लगता था। जान पड़ता है उसे भी अपनी कुरूपता का पता नहीं था। तभी तो केवल एक मिर्जई और घुटनों तक ऊंची धोती पहनकर अपनी कुडौलता के अधिकांश की प्रदर्शनी करता रहता था। उसके पास सजने के उपयुक्त सामग्री का अभाव नहीं था, क्योंकि कोठरी में अस्तर लगा लंबा कुर्ता, बंधा हुआ साफा, बुंदेलखंडी जूते और गंठीली लाठी किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते जान पड़ते थे। उनकी अखंड प्रतीक्षा और रामा की अटूट उपेक्षा से द्रवित होकर ही कदाचित हमारी कार्यकारिणी समिति यह प्रस्ताव नित्य सर्वमत से पास होता रहता था कि कुर्ते की बाहों में लाठी को इटकाकर खिलौनों का पर्दा बनाया जावे, डलिया जैसे साफे को खूंटी से उतारकर उसे गुड़ियों का हिंडोला बनने का सम्मान दिया जाव, और बुंदेलखंडी जूतों को हौज में डालकर गुड्डों के जल विहार का स्थायी प्रबंध किया जावे। पर रामा अपने अंधेरे दूर में चरम स्वर में डांटते हुए द्वार को इतनी ऊंची अर्गला से बंद रखता था कि हम स्टूल पर खड़े होकर भी छापा न मार सकते थे। रामा के आगमन की जो कथा हम बड़े होकर सुन सके, वह भी उसी के समान विचित्र है। एक दिन जब दोपहर को माँ बड़ी पापड़ आदि के अक्षय कोष को धूप दिखा रही थी, तब न जाने कब दूर रबल और क्लांत रामा आंगन के द्वार की देहली पर बैठकर किवाड़ से सिर टिकाकर निश्चेष्ट हो रहा। उसे भिखारी समझ जब उन्होंने निकट जाकर प्रश्न किया, तब वह ए मताए ए रामा तो भूखन के मारे जो चलो कहता हुआ उनके पैरों पर लेट गया। दूध मिठाई आदि का रसायन देकर माँ जब रामा को पुनर्जीवन दे चुकी, तब समस्या और जटिल हो गई, क्योंकि भूख तो ऐसा रोग नहीं जिसमें उपचार का क्रम टूट सके। वह बुंदेलखंड का ग्रामीण बालक भी माता के अत्याचार से भागकर मांगता खाता इंदौर तक जा पहुंचा था, जहां न कोई अपना था और न रहने का ठिकाना। ऐसी स्थिति में रामा यदि माँ की ममता का सहज ही अधिकारी बन बैठा तो आश्चर्य क्या। उस दिन संध्या समय जब बाबूजी लौटे,
तब लकड़ी रखने की कोठरी के एक कोने में रामा के बड़े बड़े जूते विश्राम कर रहे थे और दूसरे में लंबी लाठी समाधिस्थ थी और हाथ मुंह धोकर नए सेवा व्रत में दीक्षित रामा हक्का बक्का सा अपन कर्तव्य का अर्थ और सीमा समझने में लगा हुआ था। बाबूजी तो उसके अपरूप को देखकर विस्मय विमुग्ध हो गए। हंसते हंसते पूछा, यह किस लोक का जीव ले आए हैं धर्मराज जी? माँ के कारण हमारा घर अच्छा खासा जू बना रहता था। बाबूजी जब लौटते तब प्रायः कोई लंगड़ा भिखारी बाहर के दालान में भोजन करता रहता, कभी कोई सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खंजड़ी बजाकर भजन सुनाता होता, कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक नया कुर्ता पहनकर आ गन में चौकड़ी भरता दिखाई देता और कभी कोई वृद्ध ब्राह्मणी भंडारा घर की देहली पर सीधा गठियाते मिलती। बाबूजी ने माँ के किसी कार्य के प्रति कभी कोई विरक्ति नहीं प्रकट की, पर उन्हें चिढ़ाने में सुख का अनुभव करते थे। रामा को भी उन्होंने क्षण भर का अतिथि समझा, पर माँ शीघ्रता में कोई उत्तर न खोज पाने के कारण बहुत उद्विग्न होकर कह उठी, मैंने खास अपने लिए इसे नौकर रख लिया है। जो व्यक्ति कई नौकरों के रहते हुए भी क्षण भर विश्राम नहीं करता, वह केवल अपने लिए नौकर रखे, यही कम आश्चर्य की बात नहीं उस पर ऐसा विचित्र नौकर। बाबूजी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। विनोद से कहा, ठीक ही है, नास्तिक जिनसे डर जावे ऐ से खास सांचे में ढले सेवक ही तो धर्मराज जी की सेवा में रह सकते हैं। उन्हें अज्ञात कुलशील रामा पर विश्वास नहीं हुआ, पर माँ से तर्क करना व्यर्थ होता, क्योंकि वे किसी की पात्रता अपात्रता का मापदंड अपनी सहज संवेदना ही को मानती थी। रामा की कुरूपता का आवरण भेदकर उनकी सहानुभूति ने जिस सरल हृदय को परख लिया, उसमें अक्षय सौंदर्य न होगा ऐसा संदेह उनके लिए असंभव था। इस प्रकार रामा हमारे यहाँ रह गया, पर उस का कर्तव्य निश्चित करने की समस्या नहीं सुलझी। सब कामों के लिए पुराने नौकर थे और अपने पूजा और रसोई घर का कार्य माँ किसी को सौंप ही नहीं सकती थी। आरती पूजा आदि के संबंध में उनका नियम जैसा निश्चित और अपवादहीन था, भोजन बनाने के संबंध में उससे कम नहीं। एक ओर यदि उन्हें विश्वास था कि उपासना उनकी आत्मा के लिए अनिवार्य है, तो दूसरी ओर दृढ़ धारणा थी कि उनका स्वयं भोजन बनाना हम सबके शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। हम सब एक दूसरे से दो दो वर्ष छोटे बड़े थे, अतः हमारे अबोध और समझदार होने के समय में विशेष अंतर नहीं रहा। निरंतर यज्ञ ध्वंस में लगे दानवों के समान हम माँ के सभी महान अनुष्ठानों में बाधा डालने की ताक में मडराते रहते थे। इसी से रामा को हम विद्रोहियों को वश में रखने का गुरु कर्तव्य सौंपकर कुछ निश्चिंत हो सकी। रामा सवेरे ही पूजा घर साफ कर वहां के बर्तनों को नींबू से चमका देता, तब वह में उठाने जाता। उस बड़े पलंग पर सवेरे तक हमारे सिर पैर की दिशा और स्थितियों में न जाने कितने उलटफेर हो चुकते थे। किसी की गर्दन को किसी का पांव नापता रहता था, किसी के हाथ पर किसी का सर्वांग तुलता होता था और किसी की सांस रोकने के लिए किसी की पीठ की दीवार बनी मिलती थी। सब परिस्थितियों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामा का कठोर हाथ कोमलता से छद्मवेश में रजाई या चादर पर एक छोर से दूसरे छोर तक घुमाता था और तब वह किसी को गोद के रथ, किसी को कंधे के घोड़े पर तथा किसी को पैदल ही मुख प्रक्षालन जैसे समारोह के लिए ले जाता। हमारा मुंह हाथ धुलाना कोई सहज अनुष्ठान नहीं था, क्योंकि रामा को दूध बता शाराजा खायक का महामंत्र तो लगातार जपना ही पड़ता था, साथ ही हम एक दूसरे का राजा बनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रामा जब मुझे राजा कहता, तब नन्हे बाबू चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोलकर बोल उठता, लामा इन्हें कौन राजा कहते हो? र कहने में भी असमर्थ उस छोटे पुरुष का दम्भ कदाचित मुझे बहुत अस्थिर कर देता था। रामा के एक हाथ की चक्रव्यूह जैसी उंगलियों में मेरा सिर अटका रहता था और उसके दूसरे हाथ की तीन गहरी रेखाओं वाली हथेली सुदर्शन चक्र के समान मेरे मुख पर मलिनता की खोज में घूमती रहती थी। इतना कष्ट सहकर भी दूसरों को राजत्व का अधिकारी मानना अपनी असमर्थता का ढिंढोरा पीटना था, इसी से मैं साम दाम दन भेद के द्वारा रामा को बाध्य कर देती कि वह केवल मुझी को राजा कहे। रामा ऐसे महारथियों को संतुष्ट करने का अमोघ मंत्र जानता था। वह मेरे कान में हौले से कहता, तुम्हें बड़े राजा हो जू नन्हे नैया, और कदाचित यही नन्हे के कान में दोहराया जाता, क्योंकि वह उत्फुल्ल होकर मंजन की डिबिया में नन्ही उंगली डालकर दांतों के स्थान में ओठ मांझने लगता। ऐसे काम के लिए रामा का घोर निषेध था, इसी से मैं उसे गर्व से देखती, मानो वह सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मूर्ख सैनिक हो। तब हम तीनों मूर्तियां एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जाती और रामा बड़े बड़े चम्मच दूध का प्याला, फलों की तश्तरी आदि लेकर ऐसे भी चित्र और अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुल देवताओं की अर्चना के लिए सामने आ बैठता। पर वह था बड़ा घाघ पुजारी।
न जाने किस साधना के बल से देवताओं को आंख मूंद कर कौवे द्वारा पूजा पा पाने को उत्सुक कर देता। जैसे ही हम आंखें मूंदते वैसे ही किसी के मुंह में अंगूर, किसी के दांतों में बिस्कुट और किसी के ओठों में दूध का चम्मच जा पहुंचता। न देखने का तो अभिनय ही था, क्योंकि हम सभी अधखुली आंखों से रामा की काली मोटी उंगलियों की कलाबाजी देखते ही रहते थे। और सच तो यह है कि मुझे कौवे की काली कठोर और अपरिचित चोंच से भय लगता था। यदि कुछ खुली आंखों से मैं काल्पनिक कौवे और उसकी चोंच से रामा के हाथ और उंगलियों को न पहचान लेती तो मेरा भोग का लालच छोड़कर उठ भागना अवश्यंभावी था। जलपान का विधान समाप्त होते ही रामा की तपस्या की इति नहीं हो जाती थी। नहाते समय आंख को साबुन के फेन से तरंगित और कान को सूखा द्वीप बनने से बचाना, कपड़े पहनते समय उनके उल्टे सीधे रूपों में अतर्क वर्ण व्यवस्था बनाए रहना, खाते समय भोजन की मात्रा और भोक्ता की सीमा में अन्याय न होने देना, खेलते समय यथावश्यकता हमारे हाथी घोड़ा उड़नखटोला आदि के अभाव को दूर करना और सोते समय हम पर पंच जैसे हाथों को फैलाकर कथा सुनाते सुनाते हमें स्वप्न लोक के द्वार तक पहुँचा आना रामा का ही कर्तव्य था। हम पर रामा की ममता जितनी अथाह थी उस पर हमारा अत्याचार भी उतना ही सीमाहीन था। एक दिन दशहरे का मेला देखने का हट करने पर रामा बहुत अनुनय विनय के उपरांत माँ से हमें कुछ देर के लिए ले जाने की अनुमति पा सका। खिलौने खरीदने के लिए जब उसने एक को कंधे पर बैठाया और दूसरे को गोद लिया तब मुझे उंगली पकड़ाते हुए बार बार कहा, उंगरिया जिन छोड़ियो राजा भैया। सिर हिलाकर स्वीकृति देते देते ही मैंने उंगली छोड़कर मेला देखने का निश्चय कर लिया। भटकते भटकते और दबने से बचते बचते जब मुझे भूख लगी तब रामा का स्मरण आना स्वाभाविक था। एक मिठाई की दुकान पर खड़े होकर मैंने यथासंभव उद्विग्नता छिपाते हुए प्रश्न किया, क्या तुमने रामा को देखा है? वह खो गया है। बूढ़े हलवाई ने धुंधली आंखों में वात्सल्य भरकर पूछा, कैसा है तुम्हारा रामा? मैंने ओठ दबाकर संतोष के साथ कहा, बहुत अच्छा है। इस हुलिया से रामा को पहचान लेना कितना असंभव था यह जानकर ही कदाचित वह अद कुछ देर वहीं विश्राम कर लेने के लिए आग्रह करने लगा। मैं हार तो मानना नहीं चाहती थी, परंतु पांव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम निमंत्रण नहीं था। इसी से दुकान के एक कोने में बिछे ठाट पर सम्मान्य अतिथि की मुद्रा में बैठकर मैं बूढ़े से मिले मिठाई रूपी अर्घ्य को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महान यात्रा की कथा सुनाने लगी। वहां मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत हो रहे थे। संध या समय जब सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा तब मैंने विजय गर्व से फूल कर कहा, तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो रामा। रामा के कुम्हलाए मुख पर उसके बिंदु जैसे आनंद के आंसू लुढ़क पड़े। वह मुझे घुमा घुमा कर इस तरह देखने लगा मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो। घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोष में छोटों की ऐसी वीरता का नाम अपराध है, पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेख रडांट फटकार भी रामा ने ही सही और हम सबको सुलाते समय उसकी वात्सल्यता भरी थपकियों का विशेष लक्ष्य भी मैं ही रही। एक बार अपनी और पराई वस्तु का सूक्ष्म और गूढ़ अंतर स्पष्ट करने के लिए रामा चतुर भाष्यकार बना, बस फिर क्या था? वहां से कौन सी पराई चीज लाकर रामा की छोटी आंखों को निराश विस्मय से लबालब भर दे, इसी चिंता में हमारे मस्तिष्क एक बारगी क्रियाशील हो उठे। हमारे घर से एक ठाकुर साहब का घर कुछ इस तरह मिला हुआ था कि एक छत से दूसरी छत तक पहुंचा जा सकता था। हाँ, राह एक बालिश्त चौड़ी मुंडेर मात्र थी जहां से पैर फिसलने पर पाताल नाप लेना सहज हो जाता। उस घर आंगन में लगे फूल पराई वस्तु की परिभाषा में आ सकते हैं। यह निश्चित कर लेने के उपरांत हम लोग एक दोपहर को केवल रामा को खिजाने के लिए उस आकाश मार्ग से फूल चुराने चले। किसी का भी पैर फिसल जाता तो कथा और ही होती, पर भाग्य से हम दूसरी छत तक सकुशल पहुंच गए। नीचे के जीने की अंतिम सीढ़ी पर एक कुत्ती नन्हे नन्हे बच्चे लिए बैठी थी, जिन्हें देखते ही हमें वस्तु के संबंध में अपना निश्चय बदलना पड़ा। पर ज्यों ही हमने एक पिल्ला उठाया त्यों ही वह रीसी माता अपने इच्छा भरे अधिकार की घोषणा से धरती आकाश एक करने लगी। बैठक से जब कुछ अस्त व्यस्त भाव वाले गृहस्वामी निकल आए और शयनागार से जब आलस्य भरी गृहस्वामिनी दौड़ पड़ी तब हम बड़े असमंजस में पड़ गए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? यह तो रामा के व्याख्यान में था ही नहीं, अतः हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर सारा मंतव्य प्रकट कर दिया। कहा, हम छत की राह से फूल चुराने आए हैं। गृहस्वामी हंस पड़े, पूछा, लेते क्यों नहीं? उत्तर और भी गंभीर मिला, अब कुत्ती का पिल्ला चुराएंगे। पिल्ले को दबाए हुए जब तक हम उचित मार्ग से लौटे तब तक रामा ने हमारी डकैती का पता लगा लिया था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।